हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हेयर अगेन माय चैनल जानकारी हित माइ हित अभिलाषी शर्मा आपके हित के लिए एक और जानकारी रिगार्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज अ सेकंड पार्ट जो एफ की वीडियो इसी चैनल पर डाली हुई है उसमें एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है मैंने वहां पर उसको किया और यहां पर आपके साथ बात करने वाला हूं अंडर एलिमेंट्स ऑफ ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम टू डिफरेंट वन इज द और वी कैन से कंपोनेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर जो प्रणाली है उसके कौन कौन से तत्व हैं दूसरा जिसकी बात करेंगे हम वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ट बेसिस डिटेल में बात करते हैं देखोगे तो अधूरा ज्ञान मिलेगा सेकेंड वन सी दीडियो ऑन फुल स्क्रीन क्योंकि कॉन्टेंट एब कॉन्टेंट को समझना है प्रॉपरली तो जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो उस पर पूरी स्क्रीन करके फिर देखो बहुत कुछ सीखने वाले सबसे पहले कॉन्सिटेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के घटक कौन से हैं कंप्यूटर के हिस्से कौन से हैं दैट इज नॉट द कंप्यूटर वी कैन से कंप्यूटर सिस्टम यस कंप्यूटर का जो सिस्टम है जो कार्य प्रणाली है उसमें कौन कौन से घटक हैं वी नो दैट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स हार्डवेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर द डेटा एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं जो डेटा है वो सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अंडर आते हैं तो जो मेन एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके मेनली चार कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा एंड द यूजर याद रखना ये चार हैं भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा और यूजर जो उसको यूज करने वाला है उपयोग करता दीज आर द ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम अब एक एक की बात करते हैं हार्डवेयर क्या है जानते हैं आप जिस लेवल पर आप सबको पता होगा ऑल द मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर यू कैन टच एंड सी कंप्यूटर के सभी वो मैकेनिकल हिस्से जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं जिनका रंग रूपाकार होता है उनको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं ये सारे के सारे हार्डवेयर आप देख रहे हो इस पिक्चर में सबके सब हार्डवेयर है ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं इसके अलावा आप की देख रहे हो बहुत सा माइक है कैमरा है ये सारे के सारे जो है हार्डवेयर है सेकेंड है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और वी कैन से प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर है वो दिशा निर्देश देने का एक सेट है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस कंबाइंड रूप में होती हैं। जो कंप्यूटर को बताता है भाई करना क्या है वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑपरेट होता है आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंबाइंड कंपोनेंट्स को के लिए भी देख सकते हो ये, सारे, सारे ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो उनके सिंबल हैं इनको हम देख नहीं सकते जैसे गूगल क्रोम है विंडोज है इसके अलावा हम पीडीएफ फाइल जो यूज करते हैं उसका सॉफ्टवेयर है सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ये सारे के सारे जो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट ब्रश ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं नेक्स्ट वन स्टूडेंट वी शुड नो दैट द दर्ड इज द डेटा डेटा क्या है कंप्यूटर डेटा इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाई कंप्यूटर डेटा इज अ कंबिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक एक इंफॉर्मेशन का सामूहिक रूप है दिस इंफॉर्मेशन में इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इमेजेस ऑडियो क्लिप्स वीडियो क्लिप्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और एनी अदर टाइप ऑफ डाटा ये सब जो चित्र हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल्स हैं ऑडियो क्लिप्स हैं ये सब का सब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए इसको डाटा कहते हैं जब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या सिस्टम काम करता है ये आपको बताता हूँ जैसे हमारी भाषा में एक बात ध्यान रखना ये साइड में पिक्चर बनेंगे आप देख रहे हो कि ये क्या है भाई जो हमारा डाटा होता है ना एज अ ह्यूमन बींग हमारे डाटा का रूप ऐसा ही होता है ए बी सी लिखा हुआ है कहीं वन टू थ्री लिखा हुआ है कुछ पिक्चर्स है ये सारा हमारा डाटा है जो हमें दिख रहा है पर कंप्यूटर में जब ऑपरेशनेबल होता है वो बाइनरी नंबर्स में हो जाता है बाइनरी नंबर जीरो वन जीरो जीरो वन ऐसे होते हैं इनके बारे में डिटेल में बात बाद में करते हैं लेकिन ये क्लियर होना चाहिए डाटा क्या है पता चला आगे जो फोर्थ कंपोनेंट है कंप्यूटर प्रणाली का वो है इसका यूजर यस तीन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा अगर यूजर नहीं है तो तीनों बैठे हैं अभी क्या करेंगे कुछ नहीं दीज आर द यूजर्स हम तुम ये सबके सब यूजर हैं हाथ चल रहे हैं लगातार कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं यूजर क्या हो गया यूजर इज अ पर्सन यूटिलाईज अ कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विस जो नेटवर्क की सेवाएं लेता है कंप्यूटर को यूज करता है वो यूजर या उपभोक्ता कहते हैं उसको क्लियर नेक्स्ट अ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस जब टाइप्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर का टाइप्स दो बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग प्रिंसिपल 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 जो कंप्यूटर है वो किस प्रिंसिक का प्रिंसिकल पर काम करते हैं सेकंड हम बात करेंगे यूजर की डिमांड्स पर उनकी जरूरत क्या है उनकी नीड्स पर सेकंड पार्ट में वो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल जो कंप्यूटर की टाइप्स है वो तीन है एनालॉग कंप्यूटर पिक्चर इज दिस वन देखते रहो भी जरा क्लोजली ऐसे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ये तो सब देखते होंगे हर रोज देखते होंगे नंबर थर्ड वाइज हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये थोड़ा विस्तार रूप है डिटेल्ड कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड का और इनके एक-एक के बारे में बात करते हैं yes, यस सबसे पहले बात कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो गिनती का सिद्धांत है गणना का सिद्धांत है उस पर काम करता है मेनली ऑपरेट्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ टू वैल्यूज जीरो एंड वन ये जो सिस्टम होता है डिजिटल कंप्यूटर का ये सारा का सारा ऑपरेशनल होता है बाइनरी नंबर के बेस्ड पर बाइनरी नंबर जीरो और वन है जितना भी उसमें ऑपरेशनल प्रोसेस होता है वर्किंग प्रिंसिपल जिसके बेस पे वो काम करता है वो जीरो और वन के बेस पे काम करता है जीरो एंड वन इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी सेज दिस डिजिट्स एज बाइनरी नंबर्स डिजिटल कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं मेनली इन बिजनेस एजुकेशन साइंटिफिक पर्पस एंड मेनी अदर प्लेसेस एज वेल हम सभी जानते हैं चारों तरफ हम डिजिटल कंप्यूटर्स को देखते हैं क्लियर नेक्स्ट वन सेकेंड वन मैंने बात की थी वो है एनालॉग कंप्यूटर उंटिंग ये मापने के ढंग से काम करते हैं संख्याओं की जो काउंटिंग थी निकल वैल्यूज थी उनकी एक कॉन्टीन्यूस रेंज होती है जस्ट वन और जीरो नहीं होती जीरो और वन है लेकिन सिर्फ यही नहीं होती उनकी कंटिन्यूटी होती है जैसे जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट थ्री इस ढंग से एक रेंज होती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बाय मेजरिंग वेरिएबल्स लाइक इनको किस चीज के लिए यूज करते हैं वोल्टेज की रोटेशन के लिए वोल्टेज में कितना आ रहा है वोल्टेज कितनी है इसके अलावा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये जो प्लेन उठते हैं ना तो एरोप्लेन उठते हैं तो उनकी जो फ्लाइट मूवमेंट्स है उनको चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो एनालॉग कंप्यूटर है इस तरह से ये मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में एक रेंज के रूप में जो चलती हैं, जो जीरो और वन बाइनरी पे पर भी नहीं है ज्यादातर हो, ऐसे, होते हैं ये हो सकता है, ऐसे ही। जब भी कभी आपको जो वेदर रिपोर्ट करता है मेट्रो डिपार्टमेंट उसमें जाने का मौका लगे तो वहां पर ऐसे कंप्यूटर देखने को मिलते हैं हमें बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं जो पे बड़, बहुत बड़ा कंप्यूटर का प्रोसेस है नेटवर्क है वहां पर ऐसे कंप्यूटर देखने को मिलते हैं भाई ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड किए थे उनका कंबाइंड रूप है दीज कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑन कंटिन्यूज एंड डिस्क्रीट डेटा ये कॉन्टिन्यूज रूप में भी हो सकता है और डिस्क्रिटेड डेटा के रूप में भी होता है आपको बता दूं जो डिजिटल कंप्यूटर थे वो डिस्क्रिट डाटा के फॉर्मेशन में होता है जो एनालॉग कंप्यूटर थे वो कंटिन्यूस जैसे मेजर्स करने के लिए काउंटिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उन पर होता है पर जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये दोनों का कंबिनेशन है दीज कंप्यूटर्स हाउ मैक्सिमम टाइम यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग मिसाइल लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग ये जो बड़े बड़े इसरो जैसे प्रोजेक्ट करते हैं ना उनमें जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो डिजिटल और हाइब्रिड नहीं होते वो तो वो वो डिजिटल और एनालॉग नहीं होते वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स यस हाइब्रिड कंप्यूटर ध्यान रखना जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोसेसिस होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के थ्रू किए जाते हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ जो कंप्यूटर के ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कंप्यूटर तीन टाइप के थे क्लियर क्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र और वर्क परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर की अपनी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर वो क्या करते हैं और यूजर की जरूरतें क्या है कंप्यूटर का जो उपभोक्ता है उपयोग करता है उसकी जरूरतें क्या है उसके हिसाब से कंप्यूटर की पांच टाइप है वीयर और टाइनी कंप्यूटर्स नोटबुक और पोर्टेबल कंप्यूटर जस्ट लाइक लैपटॉप और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैंड हेल्ड और वी कैन से पी वर्क स्टेशन आप कहोगे मैंने बोला पांच दिखाई तो छे हैं। ये जो वर्क स्टेशन एंड सुपर कंप्यूटर है ऑलमोस्ट एक क्लोजली एसोसिएटेड है थोड़ा एडवांस हो जाता है इससे वर्क स्टेशन कंप्यूटर का ही पार्ट है सुपर कंप्यूटर क्लियर तो एक एक सबसे पहले व्यबल कंप्यूटर स्मॉल और टाइनी कंप्यूटर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दीज आर सबसे छोटे रूप है ये कंप्यूटर के इनको वियरेबल क्यों कहा जाता है कंप्यूटर क्यों इनको रिस्ट वॉच की तरह आपको हाथ की कलाई पे बांध सकते हैं हम इसको क्लियर इसको कानों में हियरिंग एड के रूप में यूज कर सकते हैं आपकी जो स्पेक्स हैं उस पर प्योर ऑफ स्पेक्स की तरह इनका यूज हो सकता है तो कंप्यूटर का जो सबसे जो छोटा रूप है जिसको वियरेबल डिवाइसेस की तरह हम यूज कर सकते हैं कुछ पहनने योग्य कंप्यूटर होते हैं चाहे वो कलाई घड़ी हो चश्मे की जोड़ी हो श्रवण यंत्र जो सुनने वाले उपकरण है उनके रूप में हम इन सभी जो कंप्यूटर्स हैं इनको यूज कर सकते हैं बट इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है किसी पर्टिकुलर पर्प के लिए होते हैं ये ध्यान रखना ये थे नंबर सेकंड सेकंड वन की बात करते हैं ये थे फर्स्ट वियरेबल कंप्यूटर सेकंड वन हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पीडीए पीडीए जो की है जो एब्रीवेशन है फुल फॉर्म है वो क्या है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैंड हेल्ड कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है PDA's are the small small, computers, not smallest, small, That can can be be held in one hand and can be used at home, offices, during journey without electrical supply. Clear हो गया? क्योंकि बैटरी इंस्टॉल्ड होती है उसको चार्ज करो ये सबके सब के जो कंप्यूटर होते हैं ये वन हैंड्रेड इनको यूज कर सकते हैं इनको आप कहीं भी ले जा सकते हो घरों में यूज कर सकते हो ऑफिस में यूज कर सकते हो जब जर्नी कर रहे हो कहीं वहां यूज कर सकते हो लाइट वेटेड होते हैं इनको इंटरनेट से कनेक्टेड किया जा सकता है अगर ये के जैसे है ओके तो इनके साथ नेटवर्क के साथ इनको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना इट्स वेरी इजी आप सभी जानते होंगे ये जो पिक्चर्स देख रहे हो ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स कंप्यूटर है जगह जगह पर आप ऐसे कंप्यूटर जो डिवाइस इनको देखते होंगे पोर्टेबल कंप्यूटर यस ये दिख रहे होंगे नोट पैड है जी ये लैपटॉप है यही तो पोर्टेबल कंप्यूटर है पोर्टेबल क्या होता है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसान से ले कंप्यूटर डिजाइन फॉर प्रोफेशनल बेसिकली ये प्रोफेशनल्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम जो होते हैं डॉक्टर्स लॉयर्स लेक्चरार्स टीचर्स इन सबके लिए डीज कंप्यूटर डिजाइन फॉर प्रोफेशनल हैव ऑल फीचर्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर कंप्यूटर जो पीसी होता है ना पर्सनल उसकी सारी फीचर्स इसमें होती है सब की सब फीचर Acubed भी इसमें क्या क्या होता है कीबोर्ड होता है माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस कोई हो सकता है एलसीडी स्क्रीन होती है आप देख रहे हो ये सब सबको सब नोटबुक और पोर्टेबल कंप्यूटर में होता है इनको पोर्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना आसान होता है दैट इज वाई दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर्स

कमर्शियल एप्लीकेशन मेडिकल साइंस दीज कंप्यूटर्स इन इट्सल्फ कनेक्टेड टू अनदर पी सी और वर्क स्टेशन किसी भी वर्क स्टेशन या पीसी से कनेक्टेड होते हैं लगातार कंबाइंड रूप में टीम वर्क के रूप में किसी भी इंस्टीट्यूशन में इनसे काम लिया जाता है आप देख रहे हो गए एक बड़ा ऑफिस है बहुत सी स्क्रीन लगी हुई है ये वर्क स्टेशन है जिस पर सारे काम करने लगे हुए हैं इंटरनली ये देखने में क्या लग रहा है इन सब के आगे पी सी है एक पर्सनल कंप्यूटर लेकिन ये सभी इंटरकनेक्टेड रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं क्लियर नेक्स्ट वन मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर है भागता जा रहा, इतने ही, yes, ये देखने से ही पता चल रहा है जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स दीस कंप्यूटर्स है आर कंप्यूटर्स कंप्यूटर मैक्सिमम मेमोरी एबल टू सॉल्व The most difficult problems, such computers are basically used for scientific research and development process jo जो विज्ञानिक खोज हो रही होती है nahi nahi लगातार जो development के process हो rahe hain टेक्नोलॉजी वाइज उन सभी में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर स्पोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स एक ही टाइम में कहीं कहीं टर्मिनल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं एंड मे बी यूज बाई मेनी ऑफ द यूजर एट ए टाइम टाइम एक में कहीं कहीं यूजर इसको यूज कर सकते हैं मोर पावरफुल अमंग मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है दुनिया में जो माने जाते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर बट दीज आर दल्सो पार्ट ऑफ जस्ट लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर उसका एक एडवांस वर्जन है यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव एक्सट्रीमली बिग मेमरी एंड वेरी कॉस्टली टू अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो महंगे तो होंगे ही ना क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है बहुत ज्यादा मेमोरी होती है और ये कॉस्टली भी होते हैं ध्यान रखना ये आज की लाइफ की जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाहे वो इसरो का है नासा का है चाहे साइंस के फील्ड में डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मेडिसिन के एरिया में रिसर्च का काम चल रहा है वो सबके सब जो केमिकल रिएक्शंस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या हो रहे हैं वो सब का सब जो प्रोसेस होता है सुपर कंप्यूटर बेस्ड है सो so, सुपर कंप्यूटर ह्यूमन लाइफ की बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं yes, हमने जो बातें की उनको दोबारा मन में बिठाए इस वीडियो के उस हिस्से में जाकर दोबारा देखें अगर आपको किसी टाइप का मन में कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें मैं आपके जवाब को वहां जो आपका क्वेरी है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर और बहुत सी वीडियो हैं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की फंडामेंटल ई बिजनेस से रिलेटेड और बहुत सी लगातार आती रहेंगी तो जानकारी हित चैनल पर इंतजार कीजिए पुरानी वीडियोस को देखिए थैंक यू वेरी मच